तो है राजस्थान की ब्यूटीफुल थिंग्स। क्या बात, ये गाइस हम आ गए हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला। तो हम यहाँ से जाने वाले हैं जयपुर और ये पूरी टीम तैयार हो चुकी है हमारी। एज यू नो दैट दीपिका एंड शालू वंस अगेन, सोनिया ये अनीता एंड दीपिकाज मदर। हेलो, यस, पहले मेरी मम्मी गई थी, अब दीपिका की मम्मी जा रही है एंड आई विश दोनों साथ भी जा रहे हैं। यस, ये लगते ही नहीं बिल्कुल भी। इसको प्यार नहीं करते, इसको कूड़े में से लेके आए, नहीं करता इसको, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर लेते हैं, जग जाता है कभी प्यार, जबरदस्ती प्यार नहीं करते, इसको झुग्गियों से लाए थे, झुग्गियों से प्यार नहीं करते। कोई बात नहीं, समझ गए हम, समझ गए, कूड़े में से आए थे आप, कोई बात नहीं। सुंदर लग रही हूँ, बिना मेकअप के सुंदर लग रही हूँ, मैंने किसी लगाई, कितना सारा मेकअप नहीं लगाया। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, देखो पागल हो गए सब। ये देखो ट्रेन आई है, हमने रेल गाड़ी, मेरे को तो रेल म्यूजियम भी याद आ रहा है, लास्ट टाइम गए थे बड़ा मजा आया था, बिल्कुल मजेदार एक नंबर। आ रही है और ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है और ये पागल हो रही है। आगे ट्रेन आ गई, आगे 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 हमारे नानकल बस सबके सब सीरियस। चलो चुके हैं जयपुर रेलवे स्टेशन और ये देखो कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। राजस्थानी जो कल्चर है, राजस्थान की जो इमारतें होती है वैसे ही दिखाया गया, मतलब जो जयपुर रेलवे स्टेशन है। और ये देखो ये बहुत इतराते हैं लड़की। अब हम देखते हैं ऐसे हम ऊबर करेंगे या ऑटो, यहीं यहीं गया, कुछ भी करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, प्लीज। और ये देखिए सबके सब थकेले हो रखे हैं बिल्कुल, 5 से 6 घंटे का सफर करेंगे, ये भी चमक जाएंगे सबके सब जयपुर के अंदर आके। यहाँ पे धूप है तेजी से, तेज तो है बट मैं इसको वो नहीं कहना चाहूंगी कि चुभने वाली धूप है, चुभने वाली धूप है सीरियसली, नहीं चुभने वाली नहीं है, बिल्कुल स्वीट सी है अगर तुम इसको महसूस करोगे तो। गर्मी तो है, गर्मी तभी तो सबके स्वेटर निकल गए, दो दो तीन तीन पहन के आए थे, हमने भी निकाल लिया अपना स्वेटर। सो हम जाएंगे घर और होंगे फ्रेश और होंगे तैयार। बाय। हेलो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं, आज हम सारे जयपुर के फोर्ट्स विजिट करने वाले हैं। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया हमें, आज हमारा जयपुर का है day 1, तो आज हम सारे मैक्सिमम फोर्ट्स आपको दिखाएंगे। स्टे महल की एंट्री गेट। हवा महल, ये है हवा महल। और ये थी टोपी, देखिए गाइस हम आ गए हैं हवा महल में, और ये बहुत ही अंदर से पता चलेगा कैसा है।
ये महाराजा प्रताप सिंह में 1778 घंटा 1803 से जो एडी है ना तो बनवाया था। अब हम ले रहे हैं अपने टिकट्स जो कि है 50 रुपीज की उनकी एंट्री के लिए। पधारो हमारे देश। ये है हवा महल की एंट्री जहाँ से हमने ऐसी की है और एंट्री टिकट आपने दिखाई दी होगी 50 रुपीज ईच है। हाँ कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ हम जाएंगे हवा महल के अंदर, हमने टिकट लिया है जो एक पर्सन की मिली है 50 रुपये। ठीक है ओके मैम। और हम आज हमने ज़्यादा मेकअप कर लिया, धूप के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही हो गया। सब उतर जाएगा? नहीं उतरेगा, हमने अच्छे वाला प्रोडक्ट यूज़ किया। आ जाइए हम मंदिर लेके चलते हैं। ठीक है ये सब के सब शुरू हो गए हैं फोटो खिंचाने। ये है हवा महल का अंदर का एरिया और ये हवा हो गए हवा ही। स्किन बर्न हो रही है, तेज धूप है गाइस, मतलब यहाँ आइए तो विंटर टाइम में ही आइए। फेब्रुअरी चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी है यहाँ, आई कांट एक्सपेक्ट। अरे क्यूटी ये देखिए और आज बहुत सुंदर लग रही है। अब मुझे आज ना बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और ये लड़की और शालू। आए हे क्या बात वाह सब चमक मार रहे हैं। ये देखो कहाँ झांक दी, ये मोड़ियन कहाँ झांक दी, ये बिंदु छोटी खिड़की जैसे रानियां अपने राजा का इंतजार करती थी। कहाँ रह गया मोड़ा? मोड़ा कहाँ रह गया? मोड़ा ग्रह कहाँ रह गया? यहाँ से इधर छोटे छोटे बच्चे देखते होंगे उनके फिर ये मोड़िया कहाँ रहेगा? ये देखो और छोटा बच्चा जो देख सकता है ना। और आंटी वो भी देख रही है। देखो भाई ये महल इस तरह से बने हुए होते थे बिल्कुल अंदर से ठंडे रहते थे, देख रहे हो? अभी फील नहीं कर सकते हम उसको, हम तो फील करवा रहे हैं। बाहर इतनी गर्मी और यहाँ पर ठंडा ठंडा ये सब इधर आ रहे हैं। घंटा तुम्हें कुछ दिखने का है। बटी खिड़कियां क्यों लगाई गई है? ये बना था ना मेरा भी यहाँ से ताकि कोई आक्रमण करे तो बुम 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 बुम। नहीं ऐसा माना जाता है कि रानियां देखती थी कि राजा कहाँ रह गया। राजा कहाँ रह गया? राजा ना आ रो कहाँ के रोगे ना राजा रह गो बिजी, रानी रे ये बेचारी अकेली। तो एक जगह से देख लिया अगर रानी ने कि राजा तो एक रानी ना थी ना, रानी थी बहुत सारी तो इसलिए खिड़कियां भी है बहुत सारी। अगर रानी गुस्सा हो जाती थी तो इसमें जाती थी। तो कोई है? अरे काको ये होगी पागल। हम अभी ऊपर तक भी जाएंगे, कोना कोना छान लेंगे इस हवा महल का। मतलब हवा महल, अब मुझे समझ आया हवा महल, ये इतनी सारी खिड़कियां इसलिए है क्योंकि हवा आ सके। अब पकड़ा ना तुमने सिंपल सा लॉजिक। देखिए गाइस हवा महल की खूबसूरती कितनी प्यारी है और सबके सब बड़े ही आनंद लेते हुए और हम भी यहाँ पे आनंद लेते हुए। हमें पता चला कि ये खिड़कियों का राज जस्ट बिकॉज यहाँ से सारी की सारी हवा आती रहे इसलिए इसको हवा महल कहा।
कहाँ जाता है, हमने ये अनुमान लगाया। बाकी कौन पड़ेगा इतने स्त्री है ना भाई। ये देखिए प्यारे प्यारे से बनाए होते थे बिल्कुल तरीके से, ऐसा ये कमी नहीं थी। वो दूर से देखो छोटू सा माउंटेन भी दिख रहा है, वो देखो मस्त। आई लव जल महल, देखिए जी रहा खूबसूरत सा जल महल। ब्यूटीफुल सा है, बस इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, मतलब आम लोगों के लिए एंट्री नहीं है, बट रियली ब्यूटीफुल। आमेर का फोर्ट आ गए हैं हम, हमने कर लिया है खाना पीना एंड अब आ गई है हम में दोबारा एनर्जी। हम गए थे इससे पहले जल महल और मजा आया था, हमने वहाँ पे तरह तरह की पिक्स खिंचवाई। ये देखो कबूतर दाना दीप दीप, ये आई लव दिस गाइस के लिए। चले चले। ये देखो पूरा आमेर का फोर्ट कितना सुंदर है, और ये झील प्यारी सी बह रही है सामने, बहुत प्यारी लग रही है। कैसा लग रहा दीपू? मतलब अगर आप आमेर फोर्ट आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप इवनिंग के टाइम पे ही आए, क्योंकि आप यहाँ पे नाइट शो भी देख सकते हैं जो 6:30 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम देखते हैं, अगर हमें देखने को मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से चले के लिए गाइड होता है। हाँ, गाइड आप ले जाना चाहें तो आप गाइड भी कर सकते। छतरी हाँ, कितने की है भैया ये? 150। तो ये बारिश में जाने के थोड़ा थोड़ा ना, ये तो बस ऐसे ही थासन, बारिश के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ओनली धूप के लिए। बट 150 ओनली आमेर का पहुंच, बट इट्स क्यूट। तो चलिए और आगे चलते हैं। ये यहाँ पे देखिए सुंदर सी प्यारी सी झील, भैया वहाँ का रास्ता बंद है क्यों? बीच में वो हो गया था ना हादसा, बिजली वाला। अच्छा, इस कारण। अच्छा, ये बिजली वाला हादसे के कारण ये रास्ता बंद कर दिया है, नहीं तो ये पहले ओपन था। वैसे गहराई इसकी उनको भी पता नहीं, ज्यादा ही गहरा होगा, डूब तो सकते ही है। चलो देखो भाई क्या हुआ है, आमर को फोट और कई या झील दी ई म बालका राजा का जितना भी का छना हो चला लगा लगा। Oh, my God.
डेट हो रहा है ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या बात। यही तो है राजस्थान की ब्यूटी, जिसे लफ्जों में कभी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। गाइस कितने प्यारे तरीके से बनाई गई है, ये से देखिए, मतलब क्या ही कारीगरी करते थे, इतने बढ़िया बड़े बड़े महल फोर्ट जो पूरे चलते चलते थे। कैसे रह लेते थे इतने बड़े बड़े काम में, घूमते कैसे होंगे, मैं तो ये टेंशन लेता हूँ। भाई ये है टिकट काउंटर जहाँ पे 100 रुपये टिकट है नॉर्मल भारतीय के लिए, बाकी फॉरन के लिए 500 और स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज़। और ये है टिकट के वहाँ से पूरा व्यू, लेट मी शो यू। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, मंदिर भी दिखाई दे रहा है ना, मस्त पूरा फोर्ट एरिया। हम आए हैं फोर्ट में, जाएंगे बोट में। ये हम अंदर आ गए हैं और देखो कितना सुंदर बना हुआ है, ये अमेरिका फोर्ट के अंदर का है ये एरिया, जिसकी सिर्फ जो टिकट प्राइस है ओनली 100 रुपीज़ है, और अंदर इसके शीश महल भी होगा। देखो ऊपर जाके लोग मजे ले रहे हैं, और यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा है अगर देखा जाए तो। हम उधर पार नहीं जा सकते, इन्होंने कुछ पेंटिंग टेंटिंग का काम चल रहा है, देखिए बहुत प्यारा है। शाम होते होते ना सब थक ही जाते हैं, बट क्या करें, मजे तो मारने हैं है ना। देखिए कितनी बड़ी कढ़ाई, कैसे चप्पू चला रही है खाना बना रही है। तुमसे ना हो पाएगा, देखिए मिनिएचर क्राफ्ट है ये, चलते नहीं मैं सही बता रही हूँ, चलते नहीं है, चलो ब्यूटीफुल, कोई नहीं चलो भाई, चलते तो सब हैं पर लेते कोई नहीं है। हेलो गाइस, हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं, हमने आमेर फोर्ट देखा और क्या देखा था, आज हमने हवा जल महल हवा महल ये सारे फोर्ट्स देखे हमने, और हमें बहुत मज़ा आया, और अब हम घर जाएंगे बहुत थक गए। अब नेक्स्ट डे आपको बताएंगे कि हम कल क्या देखने वाले हैं, आज हमारा था डे वन। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मंटू गर्ल्स लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।
दिस इज द नाइट व्यू ऑफ द आमेर फोर्ट एंड इट इज लुक वेरी ब्यूटीफुल. पूरा व्यू बहुत प्यारा है. हम तो काले पीले हो गए. बहुत प्यारे हो चलते. बहुत बहुत ही वेदर आ रहे हैं. चिल्ला रही है. देखिए आप.